हेलो एवरीवन दिस इज एवरी गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल जावा सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कि हम सिंगल स्टेटमेंट यूज करके हम फॉर्म को कैसे फिल करते हैं इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें आइए शुरू करते हैं आज का सेशन फॉर्म्स क्या होते हैं एस फॉर्म्स आर यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट यूजर से इनपुट कलेक्ट करने के लिए एसटीएमएल फॉर्म्स यूज किया जाता है एस फॉर्म पे डिफरेंट टाइप्स के इनपुट एलिमेंट्स होते हैं जिनमें यूजर क्या करता है अपना इनपुट एंटर करता है और लास्ट में उस फॉर्म को सबमिट कर देता है और आगे वो जो हमने इनपुट एंटर किया है वो आगे सर्वर को पास ऑन कर दिया जाता है प्रोसेसिंग के लिए तो ये होते हैं एस टी एम एल फॉर्म्स एस टी एम एल फॉर्म्स आर यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट अब एक एग्जाम्पल लेते हैं ये एक यू आर एल है स्वैग लैब का अब इस यू आर एल पे हमें अगर लॉग इन एक्शन परफॉर्म करना है तो यूजर को क्या क्या इनपुट करना है यूजर user को यूजर नेम इनपुट करना है और यूजर को पासवर्ड इनपुट करना है उसके बाद लॉग इन बटन पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है तो ये तीन ऑपरेशंस करने हैं लॉग इन करने के लिए यूजर को इस वेबसाइट पे अब हमें अगर इस लॉग इन एक्शन को हमें ऑटोमेट करना हो तो हम क्या करेंगे लॉग इन एक्शन को ऑटोमेट करने के लिए हम क्या करेंगे इसके लिए हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट कैसे राइट करेंगे पहले ये समझते हैं तो इसके लिए हम एक्लिप्स आई ओपन करते हैं तो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए हमने एक्लिप्स डी ओपन कर लिया मैंने इसमें एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है टेस्ट वन के नाम से और इसमें सेलेनम वेब ड्राइवर वेब ड्राइवर मैनेजर दोनों ही कॉन्फिगर किया हुआ है सिलेनम वेब ड्राइवर की डिपेंडेंसी और वेब ड्राइवर मैनेजर की डिपेंडेंसी दोनों की डिपेंडेंसी पॉम डॉट एक्सएमएल में एड की हुई है एक्सप साइडी में वेब ड्राइवर और वेब ड्राइवर मैनेजर हम कैसे कॉन्फिगर करते हैं इसमें मैंने डिटेल वीडियो बनाया बनायाम जावा सीरीज में उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं जावा कोड राइट करने के लिए हमें क्लास क्रिएट करना है तो यहाँ पे एस आर सी टेस्ट जावा फोल्डर इस फोल्डर के अंदर एक पैकेज है डेमो टेस्ट डॉट टेस्ट वन पैकेज एस आर सी टेस्ट जावा फोल्डर के अंदर एक पैकेज है डेमो टेस्ट डॉट टेस्ट वन पैकेज इस पैकेज पे हम राइट क्लिक करते हैं और देन न्यू क्लास यहाँ क्लास का नाम दे देते हैं लॉग इन फॉर्म इसमें हम एक मेन मेथड ऐड कर लेते हैं और फिर इस पर क्लिक कर दिया हमने तो हमने क्लास क्रिएट कर दिया लॉग इन फॉर्म के नाम से और हमने इसमें एक मेन मेथड ऐड कर दिया अब हमें सबसे पहले क्या करना है हमें ब्राउजर लॉन्च करना है तो हम क्रोम ब्राउजर लॉन्च कर लेते हैं तो ब्राउजर लॉन्च करने के लिए हम वेब ड्राइवर मैनेजर क्लास यूज करेंगे तो उसके लिए हमारा क्या स्टेटमेंट होगा वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप इसके बाद वेब ड्राइवर को इंस्टेंशिएट करेंगे हम वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स न्यू क्रोम ड्राइवर साथ साथ इनके पैकेजेस भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं ब्राउजर लॉन्च करने के बाद हमें ओपन करना है यू तो यू ओपन करने के लिए हमारा स्टेटमेंट होगा ड्राइवर डॉट गेट और यहाँ हम देंगे डबल में कंप्लीट यू तो एल हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको एज इट इज अपने कोड में पेस्ट कर देते हैं अब यू ओपन करने के बाद हमें क्या करना है हमें यूजर नेम एंटर करना है हमें पासवर्ड एंटर करना है और फिर हमें लॉग बटन पर क्लिक करना है तो हमें वेब पेज पे किसी भी वेब एलिमेंट को फाइंड करने के पहले हमें क्या करना होता है उसको लोकेटिंग स्ट्रेटेजी हमें उसके लिए चाहिए होती है वेब पेज पे किसी भी वेब एलिमेंट पे कोई भी ऑपरेशन करने के पहले हमें वेब एलिमेंट को फाइंड करना होता है और वेब एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हमें लोकेटिंग स्ट्रेटेजी चाहिए कि उस वेब एलिमेंट को हम वेब पेज पर कैसे लोकेट करेंगे तो वो लोकेट करने के लिए हम सबसे पहले हम यूजर नेम को लोकेट करेंगे तो यूजर नेम का हम एस टी एम एल कोड चेक करते हैं तो वो कैसे करेंगे एस टी एम एल कोड चेक उसके लिए हम यूजर नेम पे राइट क्लिक करेंगे फिर हम इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे और ये रहा यूजर नेम का एस टी एम एल कोड इनपुट टैग फिर टैग नेम है इनपुट फिर क्लास और यहाँ पे हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स गिवन है देख लेते हैं प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट है हमारे पास हमारे पास आई डी गिवन है हमारे पास नेम भी गिवन है तो किसी भी वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की लोकेटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं बाई नेम बाई आई डी बाई एक्सपाथ बाई सी एस एस सेलेक्टर तो हम कोई भी एक लोकेटिंग स्ट्रेटेजी को यूज करके हम अपने वेब एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास आई डी गिवन है हमारे पास नेम भी गिवन है नेम इक्वल्स यूजर हाइफन नेम और आई डी की वैल्यू भी गिवन है आई डी इक्वल्स यूजर हाइफन नेम तो हम बाई आई डी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज करके यूजर नेम वेब एलिमेंट को हम लोकेट कर सकते हैं अब नेक्स्ट वेब एलिमेंट है हमारा पासवर्ड इसको भी इंस्पेक्ट करके इसकी एस टी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं पासवर्ड का भी हमारे पास आईडी गिवन है तो पासवर्ड को भी हम बाय आईडी लोकेटिंग स्ट्रेटजी यूज करके हम लोकेट कर सकते हैं वेब पेज पे आईडी की वैल्यू है पासवर्ड पासवर्ड के बाद हमें लॉग इन बटन पे क्लिक एक्शन करना है तो इसको भी हम लोकेट कर लेते हैं इसके लिए भी लोकेटिंग स्ट्रेटजी देख लेते हैं तो इसमें भी हमारे पास आई की वैल्यू गिवन है लॉग इन हाइफन बटन तो हम लॉग इन बटन को भी बाई आईडी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज करके हम लोकेट कर सकते हैं तो तीनों ही वेब एलिमेंट को हम बाई आई डी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज करके हम लोकेट कर सकते हैं तो वापस चलते हैं कोड में और तीनों वेब एलिमेंट को हम फाइंड करेंगे और फाइंड करने के लिए हम बाई आई डी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज करेंगे तो सबसे पहले हमें एंटर करना है यूजर नेम तो उसके लिए हमें सबसे पहले वेब एलिमेंट को फाइंड करना होगा तो हमारा स्टेटमेंट होगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आई और यहाँ पे आई की वैल्यू दे देते हैं आई की वैल्यू थी यूजर हाइफन नेम डबल कोर्स में यूजर हाइफन नेम एक बार फिर से चेक भी कर लेते हैं क्योंकि एग्जैक्टली exactly सेम होना चाहिए अगर गलत होगा तो वेब एलिमेंट हमारा फाइंड नहीं हो पाएगा यूजर हाइफन नेम और पासवर्ड में आईडी की वैल्यू है पासवर्ड सारे स्मॉल केस में अब इतने स्टेटमेंट से तुम्हारा वेब एलिमेंट फाइंड हो जाएगा फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है हमें एंटर करना है यूजर नेम तो यूजर नेम हम क्या एंटर कर सकते हैं यूजर नेम हमारे पास एक्सेप्टेड यूजर नेम्स में है स्टैंडर्ड अंडर स्कोर यूजर और पासवर्ड में है सीक्रेट अंडर स्कोर सॉस तो यहां पे हम यूजर नेम एंटर करने के लिए यहां पे हम सेंड कीज मेथड यूज करेंगे यू सॉरी स्टैंडर्ड अंडरस्कोर यूजर स्टैंडर्ड अंडर स्कोर यूजर ये है यूजर नेम और लास्ट में सेमी कॉलन से स्टेटमेंट एंड अब नेक्स्ट हमें पासवर्ड एंटर करना है तो पासवर्ड एंटर करने के लिए भी हम पहले पासवर्ड वेब एलिमेंट को फाइंड करेंगे और उसके बाद हम उसमें हम पासवर्ड एंटर करेंगे तो यहाँ पर कमेंट चेंज कर देते हैं एंटर पासवर्ड और यहाँ पे पासवर्ड का जो भी आईडी है वो यहां पे एंटर कर देते हैं स्मॉल केस में पासवर्ड और यहाँ पे पासवर्ड है सीक्रेट सीक्रेट सॉस सॉस तो हमने यहां पे पासवर्ड भी एंटर कर दिया पासवर्ड एंटर करने के बाद हमें क्या करना है लॉग इन बटन पे हमें क्लिक एक्शन करना है तो यहाँ कॉमेंट चेंज कर देते हैं क्लिकॉन लॉग इन बटन और यहाँ चेंज कर देते हैं लॉगिन बटन का आईडी एक बार इंस्पेक्ट करके फिर से चेक कर लेते हैं बटन पे राइट इंस्पेक्ट लॉगिन हाइफन बटन है इसका आईडी कॉपी कर लिया हमने और इसे यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर देते हैं अब हमें लॉगिन बटन पे हमें क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है तो यहाँ पे सेंड कीज की जगह सेंड कीज मेथड की जगह हम कॉल करेंगे क्लिक मेथड क्लिक मेथड क्लिक मेथड हम यूज करते हैं क्लिक एक्शन परफॉर्म करने के लिए क्लिक एक्शन के लिए हम क्लिक मेथड यूज करते हैं तो हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट हमने ब्राउजर लॉन्च कर लिया हमने यूआरएल ओपन कर लिया यूजर नेम एंटर कर लिया पासवर्ड एंटर कर लिया और हमने क्लिक एक्शन भी परफॉर्म कर लिया लॉगिन बटन पे अब एक बार ऐसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं राइट क्लिक रन एस जावा एप्लीकेशन इसका आउटपुट चेक करेंगे ब्राउज़र लॉन्च हो गया URL भी ओपन हो गया और हमने सक्सेसफुली कर लिया वेब पेज पे। अभी यहाँ पे आप इसका कोड देखिए। अभी यहां पे इन तीनों ऑपरेशन के लिए यूजर नेम एंटर करने के लिए पासवर्ड एंटर करने के लिए और लॉग इन बटन पे क्लिक एक्शन के लिए हमने थ्री सेपरेट स्टेटमेंट्स यूज किए हैं अब हम क्या करेंगे हम तीनों ऑपरेशन को हम सिंगल स्टेटमेंट में करेंगे तीनों ऑपरेशन को हम सिंगल स्टेटमेंट में करेंगे और इसके लिए हम एक्शंस क्लास यूज करेंगे तो इस कोड को हम कॉमेंट कर देते हैं और यहाँ पे हम एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एक्शंस ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं एक्शंस इक्वल्स न्यू actions और यहाँ पे हम पास करेंगे वेब का का और लास्ट में statement end और में पे इनके packages भी हम हम साथ साथ import कर लेते हैं इसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एक्शन ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं एक्शन हो गया क्लास का नाम इसके बाद हम राइट करेंगे ऑब्जेक्ट का नाम सीरीज ऑफ एक्शन दे देते हैं ऑब्जेक्ट का नाम सीरीज ऑफ एक्शन स्टेटमेंट हम हम तो होगा का object, यह हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया अब जो हमारा फर्स्ट एक्शन यहाँ पे हम वो राइट करेंगे तो यू ओपन होने के बाद सबसे पहले हमें माउस को मूव करना है यूजर नेम वेब एलिमेंट पे हमें माउस को मूव करना है यूजर नेम वेब एलिमेंट पे उसके बाद माउस को मूव करने के बाद हमें इस वेब एलिमेंट पे हमें क्लिक करना है जिससे कि हम टेक्स्ट को एंटर कर सके तो सबसे पहला एक्शन है मूव माउस टू यूजर नेम वेब एलिमेंट एंड आफ्टर दैट वी हैव टू क्लिक हियर एंड देन वी विल एंटर यूजर नेम तो इन तीनों एक्शन के लिए यहां पे हम एक्शन बिल्ड करते हैं तो सबसे पहला एक्शन एक्शन स्टॉट मूव टू एलिमेंट और जिस जिस भी वेब एलिमेंट पे हमें माउस को मूव करना है वो वेब एलिमेंट हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमें मूव करना है स्टैंडर्ड यूजर वेब एलिमेंट पे तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट ये मेथड हमें रिटर्न करेगा स्टैंडर्ड यूजर वेब एलिमेंट क्योंकि यहाँ पे हमने यूजर हाइफ़न नेम दिया है वेब एलिमेंट की आई की वैल्यू तो यहां पे हम पेस्ट कर देते हैं एज इट इज तो यहां हमें यूजर नेम वेब एलिमेंट हमें मिल जाएगा इस स्टेटमेंट से उसके बाद हमें क्या करना है ये है हमारा पहला एक्शन और हमारा दूसरा एक्शन क्या है मूव करने के बाद हमें क्लिक करना है यूजर नेम पे हमें क्लिक करना है तो हमने क्लिक भी कर लिया क्लिक करने के बाद हमें यूजर नेम एंटर करना है यूजर नेम हमें एंटर करना है वेब एलिमेंट में तो यूजर नेम एंटर करने के लिए हम सेंड कीज मेथड यूज करेंगे तो सेंड कीज और जो भी हमें यूजर नेम एंटर करना है वो हम यहाँ पे डबल कोर्स में राइट कर देते हैं यूजर नेम है स्टैंडर्ड अंडर स्कोर यूजर और यूजर नेम एंटर करने के बाद हमें टैब की प्रेस करना है यहाँ पे स्टैंडर्ड अंडर स्कोर यूजर एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे टैब की प्रेस करना है अगले वेब एलिमेंट पे जाने के लिए पासवर्ड वेब एलिमेंट पे जाने के लिए तो यूजर नेम एंटर कर दिया हमने यहाँ तक और इसके बाद यहाँ पे हम टैब की प्रेस करेंगे तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा कीज डॉट टैब अब टैब की प्रेस करने के बाद हमें पासवर्ड एंटर करना है टैब की प्रेस करने के बाद यहाँ पे यूजर एंटर किया फिर हमने टैब की प्रेस किया हम पासवर्ड वाले वेब एलिमेंट पे आ गए अब यहाँ पे हम पासवर्ड एंटर कर देते हैं तो उसके लिए भी हमारा सेम स्टेटमेंट रहेगा इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम राइट कर देते हैं पासवर्ड पासवर्ड हमारा सीक्रेट अंडर स्कोर सॉस सीक्रेट अंडर स्कोर सॉस पासवर्ड अब अब यहाँ पे पासवर्ड एंटर करने के बाद वेब पेज पे हमें क्या करना है हमने यूज़र नेम एंटर कर दिया और हम यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे सीक्रेट अंडर स्कोर एक बार फिर से एंटर करते हैं सीक्रेट अंडर स्कोर सॉस पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे हम एंटर की हिट करेंगे एंटर की प्रेस करेंगे जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे हमारा लॉगिन परफॉर्म हो जाएगा लॉग इन हो जाएगा वेब पेज पे ये देखिए मैंने जैसे ही एंटर की प्रेस किया लॉगिन एक्शन परफॉर्म हो गया तो सेम यही हम एक्शन कोड में भी राइट करेंगे तो पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे टैब की ना प्रेस करके यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे यहाँ पे हमने एंटर की प्रेस कर दिया अब एंटर की प्रेस करने के बाद हमें क्या करना है इन सारे एक्शंस को बिल्ड बिल्ड करना है जितने भी हमने एक्शन यहाँ पे राइट किए इन सबको हमें बिल्ड करना है उसके लिए यहाँ पे हम डॉट बिल्ड मेथड कॉल करेंगे और लास्ट में सेमी से स्टेटमेंट एंड अभी हमने सारे एक्शंस को बिल्ड कर लिया जो भी हमें फॉर्म पे एक्शंस परफॉर्म करना है उन सबको हमने यहाँ पे बिल्ड कर लिया अब बिल्ड करने के बाद हमें एक्शंस को परफॉर्म करना है यहाँ पे एरर है आई थिंक हमने पैकेज इंपोर्ट नहीं किया एक्शन क्लास का तो एक्शन क्लास का पैकेज है ऑफ डॉट ओपन क्यूए डॉट सेलेनियम डॉट इंटर इस पैकेज को हमने इम्पोर्ट कर लिया उसके बाद इस एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके हम सारे एक्शंस को परफॉर्म करेंगे डॉट परफॉर्म अभी कोड हमारा कंप्लीट हो गया अब इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमने सबसे पहले ब्राउजर लॉन्च कर लिया यू भी ओपन कर लिया यू ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे सारे एक्शंस को बिल्ड कर लिया और फिर हमने परफॉर्म भी कर लिया अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं राइट क्लिक रन एस जावा एप्लीकेशन ब्राउजर ओपन हो गया यू आर एल भी ओपन हो गया और ये देखिए हमारा लॉग इन एक्शन भी परफॉर्म हो गया और अभी हमने लॉग इन पेज को फिल करने के लिए हमने सिंगल स्टेटमेंट यूज किया है लॉग इन पेज को इस अभी इस पेज को फिल करने के लिए हमने सिंगल स्टेटमेंट यूज किया है यूजर नेम पासवर्ड और लॉग इन बटन लॉग इन करने के लिए हमने एंटर की प्रेस किया इन तीनों को हमने सिंगल स्टेटमेंट में राइट किया. किया है तीनों एक्शन को हमने सिंगल स्टेटमेंट में हमने परफॉर्म किया है और यहाँ हमने एक्शन क्लास को यूज़ किया है फॉर्म को सिंगल स्टेटमेंट पे फ़िल करने के लिए अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया है इस एग्जाम्पल में हमारे पास सिर्फ दो ही इनपुट एलिमेंट्स हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड मगर कई बार ऐसा होता है जब हम एस फॉर्म फिल करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे इनपुट वेब एलिमेंट्स होते हैं तो उस केस में अगर हमें सिंगल लाइन में सिंगल स्टेटमेंट में अगर हमें उस फॉर्म को फिल करना है तो हम एक्शन क्लास इस तरीके से हम एक्शन क्लास को यूज करके हम सिंगल स्टेटमेंट में हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं अक्सर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम एक्शन क्लास यूज करके हम फॉर्म को कैसे हम सिंगल स्टेटमेंट में फिल करते हैं तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम ये कैसे करते हैं तो आज के सेशन में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और भले कि तमाना ना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग